जी हाँ, आपने सही थंबनेल पढ़ा कि BSNL ले रहा बिल्कुल फ्री आपको ब्रॉडबैंड। अगर आप विलेज एरिया में रहते हैं और ब्रॉडबैंड चाहिए आपको, तो एयर फाइबर में काफ़ी छूट चल रही है। कई जगहों पे एयर फाइबर का डिवाइस और राउटर आपको फ्री में दिया जा रहा है। कई विलेजेस में इसका थोड़ा बहुत चार्ज भी लिया जा रहा है। ये काफ़ी अच्छा है। अगर आप गाँव में इंटरनेट चलाना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरी देखें। फाइबर है जो उसके नए प्लान्स जो लॉन्च हुए हैं उसमें आप सभी को कई सारी फैसिलिटीज़ और ऐड करके दी जा रही हैं इस लॉकडाउन के बाद, क्योंकि जो पढ़ाई है वो भी ऑनलाइन हो गई है। तो जो विलेज एरिया में बच्चे रहते हैं जिनको ब्रॉडबैंड की नीड है, तो उनके लिए BSNL का खास ऑफ़र आया है। और BSNL इस ऑफ़र में ये कवर कर रही है कि अगर आप एक कनेक्शन लेंगे तो आपको लगभग सारी चीज़ें हैं जो फ्री में दी जाएंगी, यानी आपका एंटीना या और आपका ब्रॉडबैंड जो सेटअप होगा आपको फ्री में दिया जाएगा। सिर्फ आपको प्लान के चार्जेस देने हैं। लेकिन इसमें एक प्लान जो है वो चेंज हो गया है, पहले की तरीके से नहीं रह गया है, वो भी मैं आगे आपको बताऊँगा इसमें। तो जो BSNL का एयर फाइबर है वो काफ़ी इफेक्टिव है विलेज एरियाज़ में, तभी इन्होंने जो इंस्टॉलेशन अपना फ्री कर दिया है, ब्रॉडबैंड का प्राइस फ्री कर दिया है और इंस्टॉलेशन चार्ज भी फ्री कर दिया है कुछ एरियाज़ में। लेकिन कुछ एरियाज़ में अमाउंट ले रहे हैं, लेकिन कम से कम अमाउंट ले रहे हैं इनको। अभी इनको ज़्यादा से ज़्यादा एयर फाइबर जो हैं वो कनेक्शन देने हैं। मैं आपको इनका मैकेनिज़्म समझा दूँ कि कैसे काम करता है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये एक BSNL का टावर है। BSNL के टावर पे एक डिवाइस लगी होगी जो कि आपके घर तक कम्युनिकेट करेगी। आपके छत पे भी एक डिवाइस लगाई जाएगी जो कि रिसीव करेगी। मेनली मैं आपको बता दूँ, सिंपल भाषा में इसे कहेंगे कि वो आपके घर में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बना रहे हैं, यानी कि टावर से आपके टावर पे दे रहे हैं। आपका ये मिनी टावर हम बोल सकते हैं, टावर से आपके टावर पे जो है ये कनेक्शन बनाया जा रहा है, उसी से आप इंटरनेट चलाएंगे। तो ये रही बात कि कैसे आप इंटरनेट चलाएंगे, तो मैं आगे सभी को बता दूं कि आपको एयर फाइबर जो है बुक कैसे करना है। तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है वेबसाइट की, यही बुक माई फाइबर BSNL.co.in। इस पे आपको जाना है और यहाँ पे सेलेक्ट करना है सर्विस अपनी, और भारत एयर फाइबर यहाँ लिखा होगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अपना सर्कल चुनना है कि आप किस स्टेट से हैं। तो सर्कल चुनने के बाद आपको यहाँ पिन कोड डालना है, नाम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल डालना है, प्रोसीड कर देना है। आपकी बुकिंग कन्फर्म हो जाएगी। बुकिंग जैसे ही कंफर्म होती है उसके 12 से 24 घंटे में आपको एक कॉल आएगा और अगले दिन ही टेक्नीशियन विजिट होगा। वो सिग्नल स्ट्रेंथ चेक करेंगे यहाँ पे कि आपके यहाँ छोटा एंटीना लगेगा या बड़ा। अगर छोटा एंटीना लगता है तो आपकी प्राइस जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। अगर बड़ा एंटीना लगता है तो आपकी प्राइस 2 से 3 हज़ार रुपये बढ़ जाती है। अगर आप यहाँ छोटा एंटीना लगता है तो आपकी प्राइस मान लीजिए 6 से 7 हज़ार लगेगी। अगर बड़ा एंटीना लगता है तो आपको 8 से 8.5 से 9 हज़ार में कनेक्शन जो है मिल जाएगा। इसमें एक महीने का प्लान जो है वो इसी में ऐड होगा, सर्विस चार्ज में ही ऐड होगा। एक महीना वो प्लान इसी पैसों से चला सकते हैं। और अगले 3 महीने बाद आपको जो 449 वाला प्लान है वो 549 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, अगर आप बेसिक प्लान लेते हैं तो। अगर बेसिक से हट के आप अपर प्लान लेते हैं तो जो भी आप प्लान लेंगे वो चला करेगा, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आई होप मैंने सभी चीज़ क्लियर कर दी होंगी। अगर अभी भी कोई डाउट है, BSNL फाइबर आप बुक नहीं कर पा रहे हैं, या आपको और भी डिटेल चाहिए BSNL एयर फाइबर से रिलेटेड कि कैसा चल रहा है, जो मेरा भारत फाइबर है वो कैसा चल रहा है, अगर आपको ये भी जानना है तो आप नीचे कमेंट करें। मैं अगली वीडियो ज़रूर लाऊँगा उस टॉपिक पर। तब तक के लिए बाय बाय।